तो आज का हमारा लेक्चर होगा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हेडिंग डालिए कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो आज का लेक्चर है हमारा। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जानने के लिए सबसे पहले कुछ बात जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंडक्टेंस पढ़ना है तो आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। क्या कोई जानता है रेजिस्टेंस क्या होता है? एनीवन? फिजिक्स में रेजिस्टेंस पढ़ाया गया होगा। क्या होता है? चार्ज को अपोज करने के लिए है ना, एक सर्किट का एक वो पार्ट जो चार्ज को अपोज करता है, हमसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो पहला आपका पॉइंट होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक तरीके का फ्रिक्शन फोर्स है किसी भी करंट के लिए। एक तरीके का ये क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे यानी कि जब भी कभी करंट फ्लो हो रहा होता है तो वायर के अंदर करंट को अपोज करने के लिए एक पावर होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक वायर है मेरे पास, ये एक वायर है, इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और एक पतला सा वायर, इतना पतला सा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ये ए। और इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक एल है। अब चूंकि ये वायर किसी न किसी मटेरियल का बना होगा, और दुनिया में कोई भी मटेरियल हो वो एटम से मिलके या मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। अगर वो मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है तो 110% मॉलिक्यूल तो एटम से मिलके बना होता है, तो कहीं ना कहीं एटम होगा, एटम नहीं तो आयन होगा, कुछ न कुछ तो होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एटम है तो एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है कुछ इस तरीके से। मान लें यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियस बना दिया और इसके चारों तरफ मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करा दिया। इसी तरीके से एक न्यूक्लियस यहाँ बना दिया और इसके चारों तरफ मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करा दिया। अब एक तरफ से मैंने इलेक्ट्रॉन को इंटर कराया, सपोज दैट यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को इंटर कराया और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ निकलना है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंटर करता है उस टाइम इसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, फुल पोटेंशियल के साथ, फुल एनर्जी के साथ इंटर करता है। लेकिन बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कभी भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए शेल की ज़रूरत पड़ती है ना, एक और एक ऐसा एक पाथ होता है जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन रहता है उस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं या शेल बोलते हैं। क्या ये बात आपको पता है? ओके, क्लास इलेवंथ में आपको पढ़ाया गया था, क्लास टेंथ में भी इवन के पढ़ाया गया था बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। तो मैं कहूँ कि चलो इलेक्ट्रॉन इस वाले शेल में रहता है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाना चाहता है, सबसे पहले वो इस एटम के इस शेल में जंप करेगा और उस एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पहले से घूम रहे हैं। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जब उसमें जंप करेगा तो क्या होगा? कोलिजन, इलेक्ट्रॉनों के बीच में कोलिजन। जैसे ये फैन चल रहा है, अगर मैं ये मार्कर ऐसे इस फैन में फेंकूँ तो क्या होगा? फेंक के देखूँ क्या? अगर किसी के सर पे आग लगे ना तो फिर प्रिंसिपल सर से जाके शिकायत करोगे। तो यहाँ पर मान लीजिए, मैं बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन एक सेल में जंप कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी सेल में जंप करना चाहता तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनों के बीच में कोलिजन होगा और दो कोलिजन से एनर्जी रिलीज होती है। स्टार्टिंग में एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, पहले जंप में एनर्जी थोड़ी सी रिलीज हुई, हुई या नहीं? तो एनर्जी थोड़ी सी उसकी कम हुई होगी। दूसरी बार जंप किया तो एनर्जी थोड़ी और कम हुई, तीसरी बार जंप किया तो एनर्जी थोड़ी और कम हुई। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो जंप करेगा एक एटम से दूसरे एटम में और इस तरीके से उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और फाइनली जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो आप कहेंगे कि अब एनर्जी काफ़ी कम हो चुकी है, तो जो एनर्जी अभी रिलीज हुई है ना इसी एनर्जी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो एनर्जी अभी रिलीज हो रही है यही रेजिस्टेंस है। आप कहेंगे पहले जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था अब उस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी रिलीज कर दी। अब जरा सोचो, जरा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा क्या उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने के चांसेस बनेंगे? यस और नो?
अगर उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने के चांसेस बनेंगे तो आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। किसी भी वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इवन कि अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हम देखें तो एल और ए के बीच में इस तरीके से रिलेशन होता है, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हर बार आप लोगों को ये बात पता है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे अगर मैंने बेटा आर के वैल्यू कॉन्स्टेंट यहाँ पे इक्वल लगाया तो इक्वलिटी लाने के लिए कॉन्स्टेंट रो आता है, और इस रो को, रोने वाली बात नहीं है यहाँ पे, ये रो है, इसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो फिर से बताना, रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, किसी भी वायर में फ्लो हो रहे करंट को अपोज करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए देखो, जब भी कभी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो आप देखेंगे वो वायर गर्म हो जाता है। जैसे आपने मान लीजिए आयरन करने के लिए वायर को एक स्विच में लगा दिया, ऑन कर दिया उसका। जैसे अब आयरन करते समय जब आपने स्विच को ऑन किया तो आप देखेंगे कि अगर वो वायर वीक है, कमज़ोर है, तो आप देखेंगे वो वायर गर्म हो जाएगा। और गर्म हो जाएगा, क्यों गर्म हो रहा है, किसी भी वायर में जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो करंट फ्लो होने के दौरान एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इलेक्ट्रॉन के जंप करने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी की रिलीज होने की वजह से ये प्रोसेस एक्जोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है, और करंट जो आगे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ रही है उसका जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा कम रहता है, डाउन रहता है, और ठंड के मौसम में या बारिश के मौसम में वही वोल्टेज बहुत हाई रहता है। क्या रीज़न है उसका, क्या रीज़न है बेटा, तार क्या हो जाता है, हाँ वेरी गुड, क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन, देखो गर्मियों के मौसम में वोल्टेज के लो होने और ठंड और बारिश के मौसम में वोल्टेज के हाई होने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि जब भी किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है, यानी कि करंट फ्लो कर रहा होता है, तो प्रोसेस एक्जोथर्मिक होता है। अब प्रोसेस एक्जोथर्मिक, और एक्जोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वायर अगर गर्म होगा गर्मियों के मौसम में और प्रोसेस भी एक्जोथर्मिक है, तो इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को अपोज करना शुरू कर देंगे, और ये रीज़न है कि कभी भी करंट जब किसी गर्मियों के मौसम में किसी वायर में फ्लो होता है तो उसका वोल्टेज कम होता है, ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्या मेरी बात समझ आ गई, ठंड के मौसम में टेम्परेचर डाउन रहता है और प्रोसेस एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक प्रोसेस कम टेम्परेचर को की वजह से ज़्यादा तेज़ी से प्रोसीड होता है, इस वजह से वोल्टेज ज़्यादा होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ओके गुड। इधर देखते हैं आर, दिस इज इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अगर आपको आर की वैल्यू, रो की वैल्यू मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना, और एक और बात, यूनिट जो होता है बेटा, अगर मैं आर की यूनिट की बात करूँ तो मेरे ख्याल से यूनिट ऑफ आर बता सकते हो, ओम यही होता ना, अगर आपने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये ओम। अच्छा, यूनिट ऑफ आर हो गया आपका ओम, अगर मैं यहां से आपसे ये पूछूं कि मान लीजिए जो वायर है उस वायर की लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, इफ एल इक्वल्स टू 1 मीटर एंड ए दिस इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, उस केस में ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो आर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, रो। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी क्या होती है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा, रेजिस्टिविटी रो की डेफिनेशन बता सकते हो, जब किसी भी यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले किसी भी वायर का रेजिस्टेंस ही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाता है। तो रेजिस्टेंस तो एक अपोजिंग फोर्स हो गया, एक फ्रिक्शन फोर्स हो गया करंट के लिए, और रेजिस्टिविटी क्या हो गया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिट लेंथ वाले किसी भी वायर की रेजिस्टेंस को ही हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या है बेटा रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, है ना, यहाँ से ठीक है बोलना जरा, हाँ हाँ, पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है।
तो किसी भी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और पर यूनिट लेंथ वाले किसी भी वायर का रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी। तो आप कुछ पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले एड डालेंगे रेजिस्टेंस और लिखिए लिखिए रेजिस्टेंस इज द अपोजिंग फोर्स ऑफ करंट, रेजिस्टेंस इज द अपोजिंग फोर्स ऑफ करंट अब यहां से लेके यहां तक ये पूरा नोट करेंगे, फिर जाके हेडिंग डालेंगे रेजिस्टिविटी। जब ये नोट कर लेना बेटा तो रेजिस्टिविटी हेडिंग डालना। रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या होगा? लिखें क्या बेटा? हाँ बोल सकते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं अगर मान लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा नजर आए तो समझ लेना कि आप रेजिस्टिविटी की ही बात कर रहे हो। डालेंगे रेजिस्टिविटी, लिखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉल्ड रेजिस्टिविटी। कॉल्ड रेजिस्टिविटी इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी को ही हम किस नाम से बुलाते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कभी भी अगर रेजिस्टिविटी कहीं पे लिखा नजर आए तो समझ लेना वो एक तरीके का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें तो पढ़ना था कंडक्टेंस और अब मैंने आपको पढ़ा दिया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की मदद से ही हम कंडक्टेंस पढ़ पाएंगे। अगली हेडिंग होगी हमारी कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। ले एक मिनट यहाँ पे मैं कुछ, यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टिविटी की यूनिट लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या? बताइए क्या लिखेंगे? रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाऊँ तो रेजिस्टिविटी देखो जरा, दिस इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल, यही तो होगा। तो इसका आर का क्या हो गया? ओम। इसका हो गया मीटर स्क्वायर, इसका मीटर हो गया, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो इसकी यूनिट हो गई ओम मीटर। यूनिट क्या हो गया इसकी? ओम मीटर। तो नेक्स्ट है आपका कंडक्टेंस। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई बेटा ओम मीटर। अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो रेजिस्टेंस की जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बताइए? यहाँ लिखा होगा रो एल बाई ए। तो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा? वन बाई रो, आगे एल बाई ए क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा?
ए बाई एल। वन बाई रो को ही हम कंडक्टिविटी कप्पा बोलते हैं, कप्पा इंटू ए बाई एल। तो रेजिस्टेंस जी दिस इज इक्वल टू, बताओ बेटा क्या होगा, कप्पा इंटू एरिया बाई लेंथ। नोट करें, अब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि कंडक्टिविटी कप्पा क्या होगा, के की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बताइए, जी एल बाई ए। ये के की वैल्यू आ गई जी एल बाई। अच्छा यहाँ पे कंडक्टेंस की यूनिट बताना जरा, कंडक्टेंस की यूनिट बताना, आर की यूनिट क्या होती है ओम, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी ओम यूनिट यूनिवर्स, या इसे आप कह सकते हो साइमन, या आप कह सकते हो मोह, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप जो बोलना चाहो, आप साइमन बोल सकते हो, आप मोह बोल सकते हो, आप ओम बोल सकते हो, ये इसकी यूनिट है। अब कप्पा इक्वल टू जी एल बाई ए, तो कप्पा की यूनिट बता दो बेटा, जी की यूनिट क्या होती है ओम पर ओम, है ना, और आगे इसकी हो गई मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, मीटर ने मीटर को मार दिया, तो कप्पा की यूनिट हो गई पर ओम पर मीटर, है ना, या साइमन, या क्या हो जाएगा साइमन पर मीटर। तो कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी बेटा साइमन पर मीटर। तो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन कोई मुझे बताना चाहेगा, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगा, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, लिखिए कंडक्टेंस, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट अभी, अच्छा रेजिस्टिविटी की यूनिट अभी आपको बता दिया था, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट की मदद से हम कंडक्टिविटी की भी यूनिट निकाल सकते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने निकाल भी रखा है, तो इसके भी हिसाब से भी अगर मैं चाहूँ तो यूनिट इसका निकाल लूँ, क्या हो जाएगा पर ओम पर मीटर, या क्या लिख सकते हो साइमन पर मीटर। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी साइमन पर मीटर। एक बात हमेशा यूनिट कन्वर्जन अब में अक्सर गलती होती है, वन साइमन पर सेंटीमीटर दिस इज इक्वल टू 100 साइमन पर मीटर, ये वैल्यू हमेशा आप याद रखेंगे, आगे चल के क्वेश्चन में मैं इसका यूज करूँगा, वन साइमन पर सेंटीमीटर इक्वल टू 100 साइमन पर मीटर, आप इस यूनिट को याद रखेंगे, आगे चल करके मैं इसी यूनिट का यूज करने वाला हूँ। तो एक बात बताओ बेटा, हमें कंडक्टिविटी चाहिए, सुनो हमें क्या चाहिए कंडक्टिविटी चाहिए, तो कंडक्टिविटी चाहिए, कंडक्टिविटी के लिए क्या करना होगा रेजिस्टिविटी चाहिए, रेजिस्टिविटी के लिए क्या चाहिए रेजिस्टेंस चाहिए, तो या कंडक्टेंस चाहिए या कंडक्टिविटी चाहिए या रेजिस्टेंस चाहिए रेजिस्टिविटी चाहिए, ये बेसिकली चार चीज़ें आपके पास है, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये चार चीज़ अगर आप समझ गए तो आगे वाला सारा पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हमने चार चीज़ें सीखी, क्या क्या, सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिंग फोर्स ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का इनवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का जो कांस्टेंट वैल्यू, अगर मैं एक मीटर लंबे वायर और एक उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, इसका रेजिस्टेंस निकालूं तो क्या मिलेगा रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस मिल गया और रेजिस्टिविटी मिल गया, तो रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस के में जो कांस्टेंट टर्म आता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो चार चीज़ें आपके सामने हैं, सबसे पहला रेजिस्टेंस, जल्दी से मुझे रेजिस्टेंस की यूनिट बता दो क्या होता है ओम, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल बाई ए,
दूसरा है आपका कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। फिर आता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? पर ओम। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? पर एम, पर ओम। और उसके बाद कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? पर ओम पर मीटर, ठीक है ना, या साइमन पर मीटर। इन सारे पॉइंट्स को मैं एक जगह लिख देता हूँ ताकि आपको भूले ना, यूनिट सबका एक जगह कलेक्ट कर लो ताकि आप यूनिट ना भूलें। सबसे पहले बताओ रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? आपने कहा ओम, मैंने कहा रेजिस्टिविटी, ओम मीटर, कंडक्टेंस क्या होगा? पर ओम। कंडक्टेंस का क्या होगा? पर ओम, या क्या बोलते हैं, साइमन। और कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का क्या होगा यूनिट बेटा? पर ओम पर मीटर या साइमन पर मीटर। और साइमन पर मीटर को अगर हम साइमन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? अक्सर क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप इसको ध्यान देना। वन साइमन पर मीटर, देखो वन साइमन सेंटीमीटर 100 साइमन पर मीटर की इक्वल है, तो वन साइमन पर मीटर किसकी इक्वल हो जाएगा? 10^-2, ये इधर आएगा ना, 10^-2 साइमन पर सेंटीमीटर। इस बात को हमेशा याद रखना, आगे अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये दो पॉइंट्स आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। अब ये जो कंडक्टिविटी है ना बेटा, इस कंडक्टिविटी के बेस पे हम मैटर को तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है, अगर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो वो कंडक्टर कहलाता है, अगर कंडक्टिविटी बिल्कुल नहीं है तो इंसुलेटर कहलाता है, और अगर कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में है तो सेमी कंडक्टर कहलाता है। लिखेंगे बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी, एक नोट पॉइंट है, बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द मैटर, बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द मैटर। कंडक्टिविटी के बेस पे हमने मैटर को तीन तरीके से डिवाइड किया, बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द मैटर। सबसे पहला क्या है बेटा? कंडक्टर। कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है इसकी, इसकी कंडक्टिविटी होती है 10^4 से लेकर के 10^7। कंडक्टिविटी की यूनिट अभी अभी बताया, बताओ क्या होता है? साइमन पर मीटर। तो 10^4 से लेकर 10^7 साइमन पर मीटर हो तो समझ लेना वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर कहलाएगा। और उसके बाद आता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी कुछ कम होती है और इसकी कंडक्टिविटी होती है 10^-6 से लेकर के 10^4 साइमन पर मीटर। फिर सबसे आखिरी में क्या होता है बेटा? इंसुलेटर। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, 10^-20 से लेकर के 10^-10 साइमन पर मीटर होती है। अब हो सकता है आपके दिमाग में सवाल गूंजे कि भैया यहाँ से हम शुरू करते हैं, 10^-20 से 10^-10 तक चलो मान लो इंसुलेटर हो गया, तो और 10^-6 से 10^4 तक सेमी कंडक्टर हुआ, तो 10^-10 से 10^-6 के बीच का रेशियो क्या होगा? तो जब सेमी कंडक्टर की आप बात करोगे तो दो टाइप की सेमी कंडक्टर होता है, एन टाइप सेमी कंडक्टर और पी टाइप सेमी कंडक्टर। ये आपको फिजिक्स में सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस करके एक चैप्टर है, उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो फिर एक और बात, अगर किसी में रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, मान लो रेजिस्टेंस है ही नहीं, एक ऐसा वायर जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, वो रेजिस्ट ही नहीं करता, तो उसे सुपर कंडक्टर बोलते हैं, एक अलग तरीके का मटेरियल है, उसे सुपर कंडक्टर बोलते हैं। एक स्पेशल मटेरियल होता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर होता है कंडक्टर जिसकी
रेजिस्टिविटी जीरो हो या आप कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो, क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट, जिसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो, कंडक्टिविटी इनफाइनाइट, इस टाइप के मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं। बहुत ही कम अमाउंट में सुपर कंडक्टर मिलता है, बहुत ही मुश्किल से सुपर कंडक्टर मिलता है। क्या बेटा काम क्या आता है, इस्तेमाल कहाँ होता है, बहुत नहीं, सिल्वर कंडक्टर नहीं, सुपर कंडक्टर ये एक एलॉय होता है, कई एलिमेंट को आपस में मिला करके बनाते हैं। यूट्रियम बेरियम ऑक्साइड एक कंपाउंड आता है, वो है आपका सुपर कंडक्टर। तो इस तरीके से मैंने मटेरियल को तीन तरीके से डिवाइड किया, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। सुपर कंडक्टर मैंने एक एग्जांपल दिया, जो कि बहुत ही रेयर चांसेज होता है, देखने को बहुत मुश्किल से मिलता है। बाकी सेमी कंडक्टर में आगे चल के दो पार्ट बन जाते हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर, जिसके बारे में आप लोगों को केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाएगा, जब सॉलिड स्टेट पढ़ाऊँगा, और फिजिक्स में आपको सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस में पढ़ाया जाएगा। कंडक्टिविटी जीरो हो गया तो पूरी तरीके से फुल्ली सुपर इंसुलेटर हो जाएगा। कंडक्टिविटी अगर जीरो है, बिल्कुल भी नहीं है, हमारी कंडक्टिविटी बहुत कम है, तो 10^-20 का मतलब आपके अप्रॉक्सीमेटली क्या समझ के चल रहे हो, जीरो ही है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी अगर जीरो है तो समझ लेना वो इंसुलेटर, अगर कंडक्टिविटी जीरो नहीं है तो कंडक्टिविटी जीरो नहीं है तो कंडक्टिविटी की रेंज कितनी है, इस रेंज में सेमी कंडक्टर कहलाएगा, बहुत ज़्यादा है तो कंडक्टर कहलाएगा, और अगर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो गई तो क्या कहलाएगा, सुपर कंडक्टर। वैसे मटेरियल बहुत ही कम मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालेंगे। अच्छा, अब एक सवाल और है, आपने कहा कि कंडक्टर है तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होना चाहिए। करंट फ्लो होने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो करंट इलेक्ट्रॉनों की वजह से फ्लो होगा, या तो करंट आयन की वजह से फ्लो होगा। अगर करंट इलेक्ट्रॉनों की वजह से फ्लो हो रहा है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कंडक्टर बोलते हैं, और अगर वही कंडक्टेंस आयन्स की वजह से फ्लो हो रहा है तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलते हैं। जैसे मान लो ये वायर, जो भी इस पूरे क्लासरूम में वायर आपका फैला हुआ है, इस वायर में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, और इस इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से आपका फैन चल रहा है, यही तो हो रहा है, या लाइट जल रही है। सोचो अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हो जाए तो करंट बंद हो जाएगा, और करंट बंद हो जाएगा तो फैन भी बंद हो जाएगा। तो इसमें ये जो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहलाएगा। क्यों इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, क्योंकि इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जैसे प्योर वाटर है, प्योर वाटर में हाइड्रोजन का H प्लस आयन और H माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, 10^-7 होता है, बहुत कम होता है, इस वजह से उसका जो कंडक्टर, भाई 10^-7 तो कंडक्टर तो नहीं हुआ ना, सेमी कंडक्टर से भी डाउन हो गया, वो किस में आ गया, इंसुलेटर के रेंज में आ जाएगा। तो अगर उसमें 10^-7 कॉन्सेंट्रेशन है आपका OH माइनस का और H प्लस का, तो आप कहेंगे कि सर इस तो बहुत ज़्यादा कम है, आयन तो है ही नहीं, तो उसका कंडक्टेंस बहुत कम होता है, कंडक्टिविटी उसकी बहुत कम होती है। लेकिन सोचो उसी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया जाए, तो आप लोगों ने सुना है 3 Idiots का एक डायलॉग है, सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने पढ़ा था और इसने कर दिया, डायलॉग नहीं सुना, सीन भी याद आ गया होगा। जब वो क्या आगे बताओ, थोड़ा लेट समझे लेकिन समझ गए, चम्मच वाला एग्जांपल है ना। तो सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि सॉल्ट के डालने की वजह से आयन्स बढ़ गए, और आयन्स के बढ़ने की वजह से करंट बढ़ने लगा, यानी कि कंडक्टिविटी अच्छी हो गई, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लेकिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस या कंडक्टर, लिखेंगे या देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस, अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो कंडक्टेंस दो तरीके का होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इसी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को हम
मेटेलिक कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। और दूसरा कंडक्टेंस है आपका आयनिक कंडक्टेंस, या आप इसी को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। दो टाइप की कंडक्टेंस आपके पास है, कौन कौन सा बेटा, मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेटेलिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस का। पहले हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो जल्दी से मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कंडक्टेंस फ्लो होगा, या फिर करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। लिखेंगे अ कंडक्टेंस इन विच फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अ कंडक्टेंस इन विच फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट की वजह से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो जल्दी से मुझे बताओ, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, क्या उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो होता है, और अगर करंट उस इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने की वजह से हो रहा है तो इसका मतलब कौन सा कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन पहला पॉइंट, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। पहला पॉइंट, मेटल का स्ट्रक्चर कौन कैसा है और उसका नेचर कैसा है, इसके ऊपर आपका मेटेलिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। दूसरा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, जिसके पास ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसका कंडक्टेंस कम होगा। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर। तीसरा है टेम्परेचर, लिख देना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली या इन्वर्सली, डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है बेटा, बताओ। पहला है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। अब आप सोच रहे हो कि क्या ये नेचर एंड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। देखो, मेटल कई तरीके के होते हैं, ठीक है, और मेटल के स्ट्रक्चर के बेस पे मेटल बहुत तरीके से बदल जाएगा। स्ट्रक्चर में बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर, जो भी मेटल आपका बना है उसका अलग अलग तरीके का, उसके अंदर जब आपको सॉलिड स्टेट पाया जाएगा तो पता चलेगा उसका स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से बनता है, और अलग अलग तरीके से बनने की वजह से उसके जो वाइड होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होता है वो उसी हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं तो इसका मतलब अच्छा कंडक्टर है, अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब बुरा कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, यस और नो। दूसरी बात, अगर किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है मूव करने के लिए, तो क्या उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा या नहीं। और अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है तो उसका कंडक्टेंस, अब जल्दी से मुझे बताओ, एल्यूमिनियम कितने, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और Mg के पास और सोडियम के पास, तो तीनों में अच्छा कंडक्टर कौन होगा, एल्यूमिनियम ज़्यादा अच्छा कंडक्टर। क्या ये बात समझ आ गई। तो जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसका कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। सेकंड कौन सा कंडक्टेंस होगा बताओ बता। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, आयनिक कंडक्टेंस लिखेंगे। किसकी वजह से होता है आयनिक कंडक्टेंस, दूसरा होगा आयनिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस।
आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन्स, लिखेंगे, इट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। किसी एक्वस सॉल्यूशन में आयन्स का जो फ्लो होता है उसकी वजह से अगर कभी कंडक्टेंस की बात करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्या ये बात समझ में आ रही, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? डन। अब सवाल ये है कि आयनिक कंडक्टेंस आयन के फ्लो की वजह से हम डिफाइन कर रहे हैं, तो आयन का फ्लो या फिर आयनिक कंडक्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, लिखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पॉइंट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया उसका नेचर सबसे पहला है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है क्या वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस बात पे भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड करेगा। दूसरा, साइज ऑफ रिजल्टेंट आयन, साइज ऑफ रिजल्टेंट आयन, अब आप सोच रहे हो साइज ऑफ आयन तो समझ में आता है, साइज ऑफ रिजल्टेंट आयन के बारे में मुझे अभी ज़्यादा पता नहीं है, तो अभी थोड़ी देर में पहले सारे पॉइंट लिखवा के उसके बाद साइज ऑफ रिजल्टेंट एक एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। थर्ड पॉइंट होगा द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। अगर मान लो कोई भी लिक्विड ज़्यादा विस्कस है तो क्या आयन बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर पाएंगे या नहीं मूव कर पाएंगे, नहीं मूव पाएंगे, और जब आयन मूव ही नहीं कर पा रहे तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा क्या उतने ज़्यादा आयन्स होंगे, और जितने ज़्यादा आयन्स होंगे क्या कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, तो कंडक्टेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है टेम्परेचर, हाँ फिफ्थ पॉइंट है टेम्परेचर। एक बात बताओ यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली, यहाँ पे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक बार फिर से बात करते हैं, नेचर हम कंडक्टिविटी के बेस पे मैटर को कितने तरीके से डिवाइड करते हैं, कंडक्टर इन सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हम कंडक्टर कब बोलेंगे, कंडक्टिविटी का रेंज कितना होना चाहिए कंडक्टर के लिए, जब 10^4 से 10^7 साइमन पर मीटर अगर कंडक्टिविटी है तो हम उसे कंडक्टर बोलेंगे। अगर 10^-6 से लेकर 10^4 साइमन पर सेंटीमीटर पर मीटर है तो उसे हम सेमी कंडक्टर बोलेंगे। इफ 10^-22 to 10^-10 साइमन पर मीटर है तो उसे हम इंसुलेटर बोलेंगे। फिर मैंने बोला एक और अलग टाइप का कंडक्टर होता है जिसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट और रजिस्टिविटी जीरो होती है। अगर रजिस्टिविटी जीरो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर। फिर मैंने कहा जो कंडक्टेंस जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, कंडक्टेंस दो तरीके के बेसिकली होते हैं, कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड आयनिक कंडक्टेंस। डिपेंड करता है कि कंडक्टेंस का जो कैरियर है, जो करंट कैरी करने के लिए जो आपका मेन पॉइंट है जिसकी वजह से करंट कैरी कर रहा है या करंट चल रहा है वो कौन है। अगर वो इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो हो रहा है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या मेटैलिक कंडक्टेंस बोलेंगे। अगर आयनिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं इसका मतलब किसकी वजह से होना चाहिए, आयन्स की वजह से होना चाहिए। अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या सिंपली इलेक्ट्रॉन जो भी लिखेंगे, ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या सिंपली इलेक्ट्रॉन लिख दो। अगर इलेक्ट्रॉनों की फ्लो की वजह से कोई कंडक्टेंस तैयार हो रहा है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। किन किन बातों पे डिपेंड करता है बेटा, नेचर ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। दूसरा, जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा क्या कंडक्टेंस उतना
ज़्यादा होगा। तीसरा क्या होगा? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा। इसीलिए बिजली की तार में, जब गर्मियों के मौसम में बिजली के तार में कंडक्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और करंट थोड़ा हमें लो वोल्टेज उसका कम मिलता है। इधर आ जाते हैं आयनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में। सबसे पहले हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है या वीक है, उसी हिसाब से कंडक्टेंस ज़्यादा या कम होगा। साइज ऑफ रिजल्टिंग आयन, रिजल्टिंग आयन का साइज क्या होता है, इसको जरा समझाता हूँ मैं आपको। इस नोट पॉइंट है यहाँ पे। साइज ऑफ रिजल्टिंग आयन अलग चीज़ होता है, और साइज ऑफ आयन अलग चीज़ होता है, इस बात को ध्यान देना। साइज ऑफ आयन क्या है और साइज ऑफ रिजल्टिंग आयन क्या है। जब आप क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक एंड मेटैलिक के बॉन्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें बताई गई थी। उस टाइम पे शायद आपको फजान रोल और सॉल्युबिलिटी बताई गई रही हो, तो उस टाइम पे ये बात बताई गई थी। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो क्या करेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, पहले क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि आपको कंडक्टिविटी बताना है किसका ज़्यादा होगा, LiCl, NaCl, KCl, RbCl। मेरे पास ये चार सॉल्यूशन है। कौन सा है? LiCl का एक्वा सॉल्यूशन है, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है, KCl का एक्वा सॉल्यूशन है, और RbCl का एक्वा सॉल्यूशन है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन सब में कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी। आपके दिमाग में क्या आ रहा है, जो आंसर आ रहा बताओ। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होनी चाहिए? RbCl की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका आयन बड़ा है या छोटा है? आयन की, अच्छा, किसी भी आयन का साइज ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी या ज़्यादा, सोच के बताओ। अच्छा, इसको ऐसे सोच सकते हैं, दो लोगों को भागना है, दो लोगों को भागना है, एक जो हल्का फुल्का है और एक बहुत हैवी, कौन ज़्यादा तेज़ी से भाग पाएगा? आपके प्रिंसिपल सर को और मुझे, दोनों लोगों को दौड़ा दिया जाए, कौन जीतेगा? मैं जीतूँगा। अगर नहीं बोलते तो अभी देखते, ऑब्वियसली मैं ही जीतूँगा यार, वो थोड़ी जीत पाएंगे, वो तो ऐसे ऐसे भागेंगे और कुछ देर के बाद कहेंगे नहीं। तो अच्छा, इसको कट मत करना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर किसी भी आयन का साइज छोटा है तो बड़ी तेज़ी से भागेगा, और मूवमेंट जिसकी तेज़ी से होगी कंडक्टेंस उतना ज़्यादा होगा। इस बेसिस पे आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? लेकिन मैंने आपको एक और बात बताई, साइज ऑफ रिजल्टेंट आयन, मैंने ये बोला है साइज ऑफ आयन और साइज ऑफ रिजल्टेंट आयन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, देखता हूँ। एक और बात, जब किसी भी सॉल्ट को वाटर में डालते हो तो वाटर के मॉलिक्यूल इस आयन के चारों तरफ जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं और उसको अलग कर देते हैं। मैंने सॉल्युबिलिटी में यह बात आपको सिखाई थी, याद है ना? फिर बताना, अगर मैंने LiCl को, चलो Cl तो सबके पास है छोड़ दो, इसमें कौन सा आयन होगा बेटा? Li प्लस। इसमें कौन सा आयन होगा? Na प्लस। इसमें कौन सा आयन? K प्लस। इसमें कौन सा आयन? Rb प्लस। तो साइज ऑफ आयन बताओ, साइज ऑफ आयन बताओ, सबसे ज़्यादा किसका साइज है? Rb का, फिर K का, फिर Na का, फिर Li का। ये साइज ऑफ आयन हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गया? लेकिन अब जो वाटर के मॉलिक्यूल उसके पास ज़्यादा तेज़ी से जाते हैं जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जल्दी समझो, बताओ इसमें किसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, जिसका साइज छोटा होगा या जिसका साइज बड़ा होगा? जिसका साइज बड़ा होगा। तो पहले ये बात पहले क्लियर कर लेते हैं, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तब तो बताओ कि ना चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा है। तो आओ चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। चार्ज डेंसिटी बेटा ध्यान से सुनना, ये सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर में आपकी मदद करेगी। चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है, चार्ज डेंसिटी को हम अगर फाई से डिनोट करें तो चार्ज यानी कि कितनी चार्ज है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, या मैं आयन की बात कर रहा हूँ तो साइज ऑफ आयन। जैसे डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हेयर डेंसिटी, मैं कहूँ मेरा हेयर डेंसिटी ज़्यादा है या आपके वॉशर के हेयर डेंसिटी ज़्यादा है? ऑब्वियसली मेरी हेयर डेंसिटी ज़्यादा है। तो हेयर डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? एक छोटे से सरफेस एरिया में कितने ज़्यादा बाल हैं, वही हेयर डेंसिटी कहलाती है, ठीक है ना? तो अब एक छोटे से सरफेस एरिया में कितने ज़्यादा बाल हैं वही उसकी हेयर डेंसिटी कहलाती है। तो एक मिनट के लिए ज़रा सोचो कि अगर चार्ज डिवाइडेड बाई साइज है ना, तो चार्ज डिवाइडेड बाई साइज ये क्या होता है? फाई होता है। फाई क्या है? चार्ज डेंसिटी।
अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि डेंसिटी किसकी, डेंसिटी ज़्यादा किसकी, जिसकी साइज ज़्यादा या कम? जिसका साइज कम होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होती है। अब इस हिसाब से जल्दी बता दो, साइज ऑफ आयन ये है तो चार्ज डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? चार्ज डेंसिटी आपने कहा सर एल आई प्लस की ज़्यादा, फिर एन ए प्लस, और फिर के प्लस, और फिर आर बी प्लस। ये क्या हो गया आपकी चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो हाइड्रेशन आयन का साइज भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल इसकी तरफ आएंगे। अब लिथियम के पास मान लो लिथियम के पास 5 वाटर के मॉलिक्यूल आ गए, तो इसका साइज क्या हो गया एल आई डॉट 5H2O। सोडियम के पास Na के पास मान लो 4H2O के मॉलिक्यूल आए तो Li डॉट 4H2O, और मान लो पोटेशियम के पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल आए तो इसका साइज क्या हो जाएगा पोटेशियम, यहाँ पे क्या आ जाएगा सोडियम, सॉरी यहाँ पे आ गया पोटेशियम डॉट 3H2O। तो बताओ सबसे बड़ा साइज अभी किसका दिख रहा है हाइड्रेशन आयन का? Li का 5H2O ज़्यादा बड़ा साइज होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिथियम के चारों तरफ वाटर के 5 मॉलिक्यूल हैं, जबकि सोडियम के चारों तरफ वाटर के सिर्फ 4 मॉलिक्यूल है, तो किसका साइज बड़ा दिख रहा है लिथियम का। तो आप कहेंगे हाइड्रेटेड आयन का साइज किसका ज़्यादा है, लिथियम का। तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, बताओ बेटा सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड आयन किसका होगा, एल आई, उसके बाद एल आई प्लस का, फिर एन ए प्लस का, फिर के प्लस का, और फिर आर बी प्लस का। क्या ये बात समझ आ गया? यहाँ पे देखो साइज ऑफ रिजल्टेंट आयन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो बताओ इस हिसाब से सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका होगा, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस एल आई सी एल का, फिर एन ए, सॉरी उल्टा कर दिया, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका हो जाएगा बेटा आर बी सी एल का, फिर के सी एल, फिर एन ए सी एल, और फिर एल आई सी एल। तो फिर से एक बार बताता हूँ, साइज और रिजल्टेंट साइज में अंतर क्या है। साइज अगर छोटा है तो रिजल्टेंट साइज बड़ा होगा, ठीक है। अगर किसी भी आयन का साइज छोटा है तो हाइड्रेटेड आयन का साइज उसका बड़ा होगा, और अगर हाइड्रेटेड आयन का साइज बड़ा है तो कंडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस तरीके से जिसके हाइड्रेटेड आयन का साइज जितना छोटा होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो साइज ऑफ रिजल्टेंट आयन यानी कि हाइड्रेटेड आयन, रिजल्टेंट आयन कहने का मेरा क्या मतलब हुआ कि हाइड्रेटेड आयन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। इसे जल्दी से नोट कर लें फिर आगे बढ़ें।